your travel on 020 8582 1199. We'll try and find the best deal for you, whether you're looking for flights or your dream holiday. India, Pakistan, Dubai, USA, Europe or Africa. Call now on 020 8582 1199. Book online or on your smartphone at skylordtravel.com. Skylord Travel. Travel simplified. The gold. Symbol of love. Precious, ancient crystal structure. The diamond. Pakiza Jewels for the precious moments of life. हेलो एंड वेलकम. मैं सरिता सबरवाल. हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ. उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें. ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. किसी वजह से अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा सकुशल रहें, हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें. इस प्रोग्राम में हमेशा किसी ना किसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ, तो आज भी किसी सेलिब्रिटी के साथ हूँ. किस सेलिब्रिटी के साथ हूँ इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी. आई एम ट्राइंग टू फिक्स माई स्क्रीन एट द बैकग्राउंड, क्योंकि आज somehow कुछ गड़बड़ हुई है. But doesn't matter. I'll just turn it off and turn it on again later on. Right, okay. And आज भी हमारे साथ एक गेस्ट हैं और ये गेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं. ये अकेले नहीं बल्कि इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हैं. एंड जो कि हमें अपनी सिंगिंग के करियर के बारे में भी इतला देंगी, हमें बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया. जयदेव कुमार जी के पन्नालाल जी के बेटे हैं, जिन्होंने मैं ये कहूँगी संगीत विरासत में पाया. इनके फादर बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे. बहुत से नामी कलाकारों ने, रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम, सुरिंदर कौर हो, आशा सिंह मस्ताना हो, या फिर प्रकाश कौर, जगमोहन कौर, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट ने उनके गीत गाए और उन गीतों को मशहूर किया. और अब उनके बेटे उन्हीं के पचीनों पर चल रहे हैं और इन्होंने कुछ ऐसे गीत कंपोज किए जो कि माइलस्टोन जैसे हैं. उनसे उन गीतों के साथ उन सिंगर्स की भी पहचान बनी और साथ ही साथ इन्होंने भी अपना सुहाना सफ़र शुरू कर दिया मुंबई में आके. दिल्ली में इनका जन्म हुआ था लेकिन मुंबई में इनकी रिहाइश है, क्योंकि दाना पानी जहाँ ले जाए इंसान वहीं रहना शुरू कर देता है. हरभजन मान हो, सरदुल सिकंदर हो, या फिर गुरदास मान जी हो, हंसराज हंस हो, ये कुछ चुनिंदा नेम मैंने लिए हैं. बाकी बहुत से नेहा कक्कर, यो-यो हनी सिंह, ऐसे बहुत से कलाकारों ने, बहुत से सिंगर्स ने इनके गीतों को गाया है और मशहूर किया. याद है वो गीत दिल लगी कुड़ी, गुजराती, ओए होए, गल्ला गोरियाँ, तिविच टोए, ये गाने इन्हीं के बनाए हुए हैं. और अब नेहा कक्कड़ भी गा रही हैं इनके गीत और भी बहुत से ज्योतिका तंगरी जैसे आर्टिस्ट भी इनके गीत गा रहे हैं. सो मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे ये मेहमान बने हैं. अकेले नहीं, इनके साथ इनकी धर्मपत्नी हैं. नाम है जिनका सिमरन कौर, लेकिन सिमरित कौर के नाम से इन्होंने गीत गाए हैं, हरभजन मान के साथ भी और दूसरे कई कलाकारों के साथ. आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी के बारे में.
नमस्कार जयदेव जी एंड नमस्कार सिमरन जी, कैसी हैं? नमस्कार जी, नमस्कार सरिता जी, आपने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया, इंट्रोडक्शन, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में हम कुछ हैं अभी। अरे सच में है, मैं तो कह रही हूँ कि आई वॉज गोइंग थ्रू योर सॉन्ग्स। मैं सच में बताऊँ तो मुझे भी नहीं मालूम था कि जो गाने इतने मशहूर हैं, चाहे वो हंस जी का चोरनी हो, चाहे गुरदास मन जी की पंचीरी हो, या भूत पालिचे हो, या फिर हरभजन मान के गीत हो, ओए होए गल्ला गोरिया, एंड जसबीर जस्सी के गाने हो, मुझे नहीं मालूम था कि इनके पीछे किनका हाथ है, ये कॉम्पोजिशंस किसकी हैं। जब मैंने सारा रिसर्च किया तो तब मुझे पता चला आई सेड ही इज सच ए ग्रेट आर्टिस्ट, और उन्होंने मेरे एक कहने पर मेरे मेहमान बनने के लिए कह दिया कि हाँ सरिता मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। तो मुझे बहुत बहुत मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ दोनों की, सिमरन आपकी भी और जयदेव जी आपकी भी। पहले तो बताइए सिमरन, आप सिमरन है या सिमरित है? मेरा नाम सिमरजीत कुमार है। सिमरजीत है, ओके, सिमरजीत कुमार, ओके, तो सिमरजीत। और सिमरजीत के ही नाम से मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप है, उस पे सिमरन लिखा था, तो मैंने कहा शायद सिमरन है, फिर सिमरजीत के नाम से आपके गाने हैं। सो एनीवे, बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप दोनों ही, और दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो हमारे दर्शक हैं, आज यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है होली का, तो सबको होली की बहुत बहुत मुबारकें। बिल्कुल, और हम दुआ करें कि जितने भी ये लड़ाई झगड़े हैं, कोरोना हुआ, उसके बाद ये रूस और यूक्रेन हम देख रहे हैं, तो यूक्रेन में इतने लोग घरों से जा रहे हैं, और देख के बड़ा दर्द, बड़ा दिल बहुत दुख सा है कि इस एरा में भी हम सब ये देख रहे हैं। देर मस्ट बी सम रूल, पीस बना रहे, लोगों के घर में शांति रहे, सब मिलजुल के रहे, और होली का त्यौहार तो ऐसा है कि दुश्मन को भी लोग गले लगा लेते हैं, सब मिलके चलें। तो मेरे को वो चार लाइनें भी याद आ रही हैं, अभी कुमार ने लिखी, बड़ी अच्छी होली के ऊपर जाती हैं। कुमार एक हमारे फैमिली है मेरे लिए, उन्होंने लिखा कि रंजिशें छोटी करो, दिल बड़े करो, पुरानी किताबें ही पढ़ते रहते हो यार, कुछ नई किताबें भी पढ़ा करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। सब लोग इस होली में एक दूसरे के साथ मिलके बैठे और परिवार इकट्ठे हो, भाई बहन सब मिलके मनाएं, तो मुझे लगता है इसका मजा दुगना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मिलजुल कर सब त्योहार एक्चुअली हम सब मिलकर ही मनाते हैं, और त्योहारों का मजा ही तब आता है जब सारी कम्युनिटीज एक साथ हो जाती है और सभी मिलजुल कर एक दूसरे की त्योहारों की कद्र भी करते हैं, इज्जत करते हैं, मान करते हैं, तभी ये त्योहार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कही, ये जो छोटे छोटे खुशियों के मौके हैं जी, ये मेरे को लगता है कि ये कोरोना में सबको सीख लेना चाहिए कि ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खोने नहीं चाहिए। हो जाएंगी बातें, सब ठीक हो जाती है, लेकिन बैठे बैठे बात कर लेने से, खुशियों के मौके मनाने से, वो गुरदास जी ने लिखा है कि छोटे छोटे करोगे तो ईद हो जाएगी, और छोटे छोटे दिए जलाओगे तो दिवाली हो जाएगी। तो छोटे छोटे खर्चे में दिवाली की वेट नहीं करनी है, सेलिब्रेशन ऑन रखना है, छोटी छोटी खुशियों से खुशहाली हो जाती, छोटी छोटी खुशियों से खुशहाली हो जाती है, और छोटे छोटे दीप जलाओ तो दिवाली हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो छोटे छोटे दीप रोज जलाते रहे और सेलिब्रेशन ऑन रखें, और ये कोरोना से जरूर सीखना चाहिए सबको, और मुझे लगता है कि सबने सीखा ही है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ सिखाया कोरोना ने, जहां हमें कोरोना ने इतने तंग भी किया है बहुत ज्यादा, वहीं हम बहुत कुछ सीखे भी हैं, एक फैमिली वैल्यूज भी पता चली हैं कि फैमिली की वैल्यूज क्या हैं। हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, बेशक बच्चों को फिक्र होता था, पर अब बच्चे भी आपके ज्यादा नजदीक हो गए, आपके रिश्तेदार भी आपसे जुड़ चुके हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है। कि लॉकडाउन जो था एक बड़ा स्पेशल टाइम था वो, क्योंकि अपने लाइफ टाइम में मेरे को नहीं लगता कि दोबारा ऐसा भगवान ना दिखाए किसी को, लेकिन जो फर्स्ट लॉकडाउन वाज द अल्टीमेट थे, क्योंकि हम सबको घर के बाहर ही नहीं जाना, तो मेरे को लगता है मैं, सिमी, निशु, पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को जानना शुरू किया जी, तो यही सारा काम कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, वो अपना भाग रहे हैं, लेकिन वो टाइम भगवान ने सबको इकट्ठा करने का दिया, और मेरे को लगता है कि सबके परिवारों में जो वो बैठना था उससे काफी चीजें अंडरस्टैंड की होंगी, जो हम भागते जा रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
आपस में एक दूसरे के साथ रहना बड़ी वैल्यू है, मिलजुल कर रहना, बिल्कुल वैल्यूज पता चलती है। आज जैसे कि आपने होली की बहुत बहुत बधाई दी है सभी को, तो पंजाब को खास तौर पर एक नए सीएम मिले हैं भगवान जी मान जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, तो आपके भी बहुत वो करीब रहे हैं, तो उनके बारे में भगवान मान वी आर प्राउड ऑफ हिम, हमारे दोस्त हैं। लेकिन मैं उनका जिक्र आपने किया तो जरूर कहना चाहूंगा कि बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपकी एक अच्छी इनकम चल रही हो और आपका नाम और आपकी स्टार वैल्यू हो, उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ा और 10 साल तक वो बीच में बुरे हालात भी आए, उनका फैमिली का डिवोर्स भी हुआ, और लेकिन वो अंदर से इतने स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता था कि वो जो उन्होंने सोचा वो कर लिया, और मेरे को लगता है कि वो एक जुनून जो है उनको यहाँ तक पहुँचा गया, इट्स ट्रेमेंडस, और हमारे दोस्त हैं, और मेरे को लगता है कि वो बहुत जज्बात से और हर चीज़ से वाकिफ है, पंजाब से हर छोटी छोटी चीज़ से वाकिफ है, वहाँ पे वो पैदल घूमे हैं, वहीं पे उन्होंने गाड़ी खरीदी, तो उनका सफ़र है, तो ही नो पंजाब, और वो बहुत अच्छा करेंगे मेरे को लगता है। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं सभी पंजाबियों को भी, पंजाब के रहने वालों को खास तौर पर, और आपके वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। के पन्नालाल जी, जैसे कि मैंने आप इंट्रोडक्शन में कहा कि आपको विरासत में संगीत मिला है, और आप ही नहीं है बल्कि आपका सारा परिवार भी बॉलीवुड से जुड़ा है, किसी ना किसी तरीके से सिंगिंग से जुड़ा है, एक्टिंग से जुड़ा है, तो ये सब आपको विरासत में मिला है, तो आप बताना चाहेंगे कि कैसी यादें आपकी हैं अपने पापा के लिए, अपने फादर के लिए? मैं आपको सच्ची बात बोलूं तो विरासत में मिला मेरी पूरी फैमिली को, मेरी सिस्टर्स को, है ना, उन सबको विरासत में मिला, मुझे नहीं मिला था विरासत क्यों भाई? हाँ, और वो आप देखिएगा कि वो सारे लोग इतना अच्छा गाते हैं, और उस समय स्कूल्स में वो खूब कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, और हमेशा जहाँ वो पन्नालाल सिस्टर्स पहुंच गई तो वो कंपटीशन में बाकी सब बैठ ही जाते थे कि भी अवार्ड तो चला गया। लेकिन मैं ऐसा था अपनी फैमिली में, मैं म्यूजिक नहीं करता था इनिशियली, म्यूजिक नहीं करता था, बट बड़ी बहन हमारी, उनकी शादी हुई चंदन दास जी से, तो मेरे को समझ लीजिए कि मेरी इंस्पिरेशन, मेरे मेंटर वही है, उन्होंने ही मेरे को स्टार्ट कराया म्यूजिक। Yes. तो पहले आप म्यूजिक में बिल्कुल नहीं थे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था कंपोज करने का, कुछ नाइंथ तक नहीं था, नाइंथ क्लास तक नहीं था। ओके, मुझे नहीं पता था कि मेहंदी हसन कौन है और मोहम्मद रफी कौन है। चंदन जी घर पे आते थे, वो या मेरी सिस्टर को गाना सिखाते थे, मैं बैठता भी नहीं था। कैसे एकदम शौक पैदा हुआ? शौक नहीं पैदा हुआ, जरूरत पैदा हो गई। क्या कि 6 बहन भाई थे हम, और मदर हमारे फिर अकेले कमाने वाले थे, फिर चंदन जी ने ही बोला कि देखो ऐसे कि इसमें टाइम जाएगा, और मैंने भी अपनी मदर को बोला कि भी बहुत टाइम लगेगा, 9th 10th 11th 12th BA MA पता नहीं कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके कुछ इनकम शुरू होगी। तो फिर चंदन जी ने बैठ के बोला कि भी तुम कुछ करो, तो नथिंग, जब कहते हैं ना कि जो एक बड़ा ही हो अपने घर में तो उसके बच्चों को वो उसी चीज में रास्ता दिखाई देता है, तो म्यूजिक घर में तो था, फिर मैंने बोला ठीक है, फिर चंदन जी के आने से और जोर शोर से आगे, तो फिर मैंने बोला, उन्होंने मेरे को गिटार लेके दी और शुरू हो गया वहां से सफर। तो बट आई नो कि म्यूजिक इज समथिंग इनबॉर्न होता है, ये किसी के सिखाए से ठीक है आप सीख लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि आपने तो हजारों गाने कंपोज किया, तो फिर आपने क्या सीखना भी शुरू किया चंदन जी से? चंदन जी तो मतलब इंस्पायर करते थे, फिर गिटार मैंने सीखनी शुरू करी, वहां पर लोगों से जाके बैठना शुरू किया, बट मैंने ये डिसाइड कर लिया था जब 9th क्लास में मैंने कि भाई गिटार बजानी है, तो मैंने 10th में डिसीजन दे दिया था घर में कि भाई मैं अब गिटार बजाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, फिर मैं 24/7 गिटार में था, और वही मेरे दोस्त यार थे म्यूजिशियंस, उनके पास जाना बैठना, और फिर दिल्ली में गिटार बजाते बजाते फिर एक अच्छे गिटारिस्ट में मेरा नाम आ गया था, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन, चंदन जी, अहमद मोहम्मद हुसैन, सबके साथ मैं गिटार बजाता था। ओके ओके, सुपीर कंपोजिंग का कैसे आया कि कंपोज करना चाहिए कुछ ना कुछ किसी के लिए, चलिए गीत बना। जीन्स में तो था ही इनके ना फादर की तरफ से, जीन्स भी ऑलरेडी था, तो इवॉल्व जो है मेरा ख्याल है गिटार के बाद धीरे धीरे,
फिर वो सारी चीजें बाद में आई। पर आप इनकी जिंदगी में कैसे आए ये मत पूछिए आप। ये वैसे मैंने बड़ी आगे जाके पूछना था, पर उन्होंने कहा कि इनकी जिंदगी में आई, तो मैंने कहा चलो यही पूछते हैं कि आप इनकी जिंदगी में कैसे आए। ये बहुत अच्छा बताएंगे जयदेव, आप बता दो। चलिए दोनों मिलके बता दें। क्या था कि मेरे गाने चल गए थे, मैं टाइम्स म्यूजिक के लिए काम कर रहा था, तो ये दोनों सिस्टर्स गाते थे, तो जस्सी की एल्बम वहीं पे की थी, तो पंजाबी गाने ये पंजाब से आए थे, इनको सिलेक्ट किया टाइम्स म्यूजिक में, तो वहां पर ही मेरे को प्रमोद शंकर थे, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई आप इनकी एल्बम बनाओ। तो वो एल्बम बनाते बनाते हमारा इस तरफ इश्क हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो वो कौन सा गाना था, याद है सिमरित आपको? हाँ बिल्कुल ही याद है, सुनाओ। फर्स्ट सॉन्ग था मेरी एल्बम का जो जयदेव जी के साथ किया था मैंने। हाय सुने आवे लेते लाचा मुल्तान दा, हाय सुने आवे लेते लाचा मुल्तान दा, जीड़ा न लेके देवे जीड़ा न लेके देवे वेरी मेरी जान दा, हाय सुने आवे लेते लाचा मुल्तान दा, हाय सुने आवे लेते लाचा मुल्तान दा। वाह वाह, तो इन्होंने मुल्तान से तो नहीं दिल्ली से ही ले दिया, क्या लेके दिया? चंडीगढ़ में से ले दिया था जी, बहुत बेस्ट क्लास ले लिया था चंडीगढ़ में से। बहुत अच्छा। सो इस तरह से आपकी मुलाकात हुई, और आपने फिर कब सोचा कि आप शादी कर लेनी चाहिए? बस इनकी एल्बम आ गई थी तो एक मिशन पूरा हो गया, उसके बाद फिर म्यूजिकली इंक्लाइंड थी ना दोनों चीजें, मैं भी म्यूजिक में और जयदेव तो ऑलरेडी थे म्यूजिक में, तो मुझे अच्छा लगा कि पूरी जिंदगी अपने इस सफर को ऐसे ही शुरू किया जा सकता है और साथ चला जा सकता है म्यूजिक के साथ। सिम आपने सीखा या आपने भी इनबॉर्न है, आपने कभी सीखा नहीं संगीत? लेकिन वैसे जो किया है मैंने एम ए इन म्यूजिक वोकल हूँ मैं, लेकिन शुरू से ही डैड के, जी मेरे डैडी आर्मी में रिलीजियस टीचर है, अभी तो नहीं है वो, तो डैड के साथ हम गुरुद्वारे वगैरह में और आर्मी में थे तो कंटोनमेंट एरिया में सारा मतलब फंक्शंस वगैरह में जाते थे, हम गाते थे आर्मी वगैरह में, तो गुरुद्वारे में ज्यादा गाया मैंने, तो वहीं से फिर शुरुआत हुई हमारी शब्द कीर्तन, शब्द कीर्तन करते थे। डू यू थिंक कि जब हम इस तरह से रिलीजियस गाने, चाहे वो फोक कहाँ का फोक हो या रिलीजियस गाने हो, उसमें आवाज ज्यादा खुलती है क्योंकि आप डीप आवाज से गाते हैं, और जयदेव जी आप भी इसका जवाब मुझे दे सकते हैं कि क्योंकि आप जब सिंगर ढूंढते हैं कि ये गाना उस सिंगर को बहुत सूट करेगा, तो क्या देखते हैं उसमें, कौन सी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है? अच्छा गाता हो पता लग जाता है वो सुनने से ना कि भाई कैसा गाते हैं और क्या होगा, अगर फोक स्टाइल में गाते हैं तो फिर वैसा, तो ये एक्चुअली गाने के लिए ना सिंगर को, जैसे एल्बम होती है तो एल्बम में तो सिंगर के अकॉर्डिंगली ही बन जाता है सारा कुछ, लेकिन फिल्म के अंदर हम जब गाना बनाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये गाना फोक टच का बन गया तो फोक टच के आवाज, अगर ये कव्वाली जैसा है तो कव्वाल की आवाज, फिर वैसी आवाज ढूंढते हैं। So you, it is your judgment, not producer or director's की judgment कि मुझे ये गाना उसी से गवाना है किसी का। ये सारी टीम टीम बैठती है, पूरी टीम, डायरेक्टर भी बैठेंगे, हीरो भी बैठेगा, प्रोड्यूसर भी बैठेगा, सारे लोग बैठेंगे। Right, okay. And Sim, फिर आपने अपने करियर को किस तरह से आगे बढ़ाया? आगे ऐसे बढ़ाया कि म्यूजिक डायरेक्टर तो थे ही पहले से ही, रेड ऑन दैट टू, है ना, जैसे जब मेरी मैरिज हुई इनके साथ तो दिल लग गई कुड़ी गुजरात दी बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग था, उसके बाद तो जिस मूवी में भी शादी के बाद जिस मूवी में भी इन्होंने सोचा कि मेरी आवाज़ इधर ठीक लगेगी तो मैं गाती गई साथ के साथ, तो अभी तक काफ़ी मूवीज में इन्होंने मुझे गवाया है जहाँ मुझे जरूरत है। अपना कोई भी गाना और सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल। Yeah,
तेरी हो सोने ले मैं भूली गई तेरी हो सोने ले मैं भूली गई तेरी हो सोने ले मैं भूली गई तेरी हो सोने अखियां तो दूर रहो सोनी अज तो नहीं हसी दो सोनी ले मैं भूली गई तेरी हो सोने ले मैं भूली गई तेरी हो सोने क्या बात है सुजयदेव जी आप भी साथ साथ आप भी गाते रहे या आप सिर्फ अपने सिंगर्स को गवाते रहे और उनको गाकर बताते रहे अभी तक तो ऐसे ही चला मेरा अभी रिसेंटली हमने एक गाना किया कुमार ने लिखा वो गाना तो मैंने वो गाया है और कुमार के ही चैनल पे हमने डाला है तो वो मैं आपको गाना जरूर सुनाता हूँ बहुत अच्छा कि लोग शराब क्यों नहीं छोड़ते उसके नुकसान क्या क्या होते हैं इसके ऊपर गाना है जब से शराब छोड़ यारों ने मुझे छोड़ दिया जब से शराब छोड़ यारों ने मुझे छोड़ दिया मैंने तो सिर्फ जाम तोड़ा मैंने तो सिर्फ जाम तोड़ा यारों ने दिल ही तोड़ दिया हमने तो सिर्फ शराब छोड़ी यारों ने हमको छोड़ दिया ऐसे ही होते हैं आस्ते आस्ते दोस्त छूटते जाते हैं अगर शराब की महफिलें चल रही है महफिलें लगी रहनी चाहिए बहुत अच्छा सिम आपका कितना सहयोग रहता है योगी इनके जयदेव जी के कॉम्पोजिशंस में कभी आप कहती हैं कि नहीं इसको इस तरह से अगर करें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा क्या आपकी बात मानते हैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बिल्कुल मानते हैं वैसे तो खुद ही गुणी है इस मामले में मैं कम ही बोलती हूँ क्योंकि जो ये बनाते हैं मुझे पसंद आता है लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत मेरी इंटरफेरेंस जहाँ जरूरत हो जाए इनको लगता है कि हाँ नहीं ठीक बोल रही है कॉम्पोजिशन को और एनहांस कर सकते हैं तो वहाँ ये सुनते हैं वैसे तो टच हो भगवान की दया से ये खुद ही गुड जज है तो इज इट बिकॉज आप अपनी कंफर्ट जोन कभी ढूंढती हैं कि इस कंफर्ट जोन में मैं गा सकती हूँ तो इसको मैं ऐसे कर कह दूँ तो शायद इजी हो जाएगा मेरे लिए कभी मेरे सॉन्ग नहीं मेरे सॉन्ग में क्योंकि इनको पता है कि किस सिंगर के ऊपर क्या चीज अच्छी लगती है तो ये ऑलरेडी परोस के देते हैं वो चीज लेकिन उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं है इट गोज ऑन वो भी कहते हैं कि अपना अगर इनपुट आप देना चाहते हो कुछ करना चाहते हो और अच्छा लगेगा वो सॉन्ग को एनहांस करेगा तो बस नेचुरली यस ही एग्रीज टू दैट सो आपके माइंड में कैसे आती है धुन पहले आप लिरिक्स सुनते हैं जयदेव जी उस लिरिक्स के ऊपर धुन बनाते हैं या पहले आपके माइंड में कोई धुन आ जाती है एंड देन यू आस्क योर लिरिसिस्ट टू राइट नहीं ऑलवेज पहले लिरिक्स होते हैं मेरे पास और उसके बाद वो लिरिक्स के ऊपर मैं धुन बनाता हूं तो पहले वेरी रेयर है कि मैंने कोई धुन बनाई उसके ऊपर लिखा ली वेरी वेरी रेयर बट मेरे को अच्छे लिरिक्स मिल जाते हैं तो देन फिर वो हो जाता है उसमें सो लिरिक्स को समझ के उसकी उसकी क्या भाव है हाव भाव कैसे हैं उसके एहसास कैसे हैं और अगर फिल्म के लिए कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगी सब चीज समझने के बाद आप फिर कॉम्पोजिशंस बनाते हैं जब कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो सिर्फ एक ही बनाते हैं किसी गाने की या डिफरेंट डिफरेंट उसकी कॉम्पोजिशंस बनती हैं एंड देन इट यू नो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर चूज करते हैं एक ही बनाते हैं कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई धुन तैयार की गाना तैयार किया और प्रोड्यूसर ने कहा नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कभी ऐसा हुआ ये गाना पसंद नहीं आया कभी ऐसा
मैंने बनाया क्योंकि हिंदी बॉलीवुड में ऐसा बहुत होता है कि एक ही गाने को 10 तरीके से बनाया जाता है, 10 सिंगर से भी गवाया जाता है और उसके बाद सिंगर 10 गा लेंगे, लेकिन गाना क्या होता है जब बन रहा होता है ना उसी समय सब लोग अटैच हो चुके होते हैं गाने से ना, वाइल मेकिंग हम हर एक चीज में उनको बता रहे होते हैं, तो अगर गाना डिसाइडेड है, हाँ सिंगर के ऊपर जरूर बहस चलती रहती है, तो उसमें वहां पे कन्विंस होना, कई बार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कई बार डायरेक्टर को नहीं अच्छा लग रहा, कभी किसी को नहीं लग रहा, तो ऐसे चलता रहता है। अभी जैसे हमने गाना, मेरी फिल्म आ रही है नूरानी चेहरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की, उसके अंदर एक सिंगर है हमारे यहाँ पे दानिश साबरी, तो उन्होंने हमने गाना बनाया तो पहले मेरे सिटिंग मेंबर्स गा रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये सिटिंग मेंबर जो गा रहे हैं कंपोजिशन गा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज से गाना नहीं उठ रहा जो हमें चाहिए, तो हमें टिपिकल मोहम्मदन आवाज चाहिए थी, तो हमने दानिश साबरी कवाली की आवाज में सूफी आवाज है तो उनको बुलाया, उनको सुनाया, तो अग्री करके सारे लोग उनको गाना चाहिए। तो आर यू टॉकिंग अबाउट दानिश जो अभी इंडियन आइडल में थे? दानिश साबरी उनका नाम है। ओह साबरी, ओके ओके, दानिश साबरी से, ओके। हां जी, तो इस तरह से चूज होता है, इस तरह से द सिस्टम वर्क, राइट, ओके। आपने दिल्ली छोड़ी और मुंबई पहुंच गए, उसका कुछ खास रीजन था क्योंकि यू वर मोर इनटू पंजाबी म्यूजिक, सो पंजाब के साथ जुड़े थे या पंजाबी म्यूजिक का भी गढ़ बॉम्बे में? नहीं, मैं बॉम्बे इसलिए आ गया था क्योंकि जैसे जैसे अब काम बढ़ रहा था तो मन कर रहा था कि और म्यूजिशियन साथ में जुड़ते जाए, है ना, तो बॉम्बे में जो उस समय म्यूजिशियंस थे बहुत ज्यादा, अगर आपको जो भी लेवल का म्यूजिशियन चाहिए यहाँ मिल जाता था, और तब लाइव ज्यादा होता था, ये कीबोर्ड म्यूजिक ज्यादा नहीं था जी जी। तो अगर मेरे को जैसे हमने बब्बू मान की एल्बम करी उसमें गाना था दिल तो पागल है दो कड़ियां रोके चुप हो जाता है, तो उसके अंदर 70 ऑर्केस्ट्रा था, 70 म्यूजिशियंस, तो वो दिल्ली में नहीं होता था, तो वो यहाँ पे हमें मिला, तो हमने यहाँ आके इसलिए मेरे को ये लगा कंफर्टेबल कि मेरे को म्यूजिशियंस, मेरे को अच्छा लगता था कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ काम करना, तो फिर वो बॉम्बे में मेरे को मिलते गए सारे, तो उनकी वजह से मैं इधर आ गया। हमारे पंजाबी म्यूजिक जो है वो दूसरे हिंदी संगीत से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें बीट का बहुत महत्व है, बीट को ज्यादा यू नो प्रेफरेंस दी जाती है या एनहांस किया जाता है, इज दैट राइट, मैं ठीक कह रही हूँ? ये बीट वाला सॉन्ग होगा तो बीट को महत्व देंगे, अगर सैड सॉन्ग होगा तो बीट नहीं आएगी। पंजाबी म्यूजिक एक इतना वास्ट सब है ना म्यूजिक कि जो सुनाई देता है वो शायद बीट वाला म्यूजिक ज्यादा सुनाई देता है जी, बट विदाउट बीट ओनली ऑन पियानोस बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो पंजाबी म्यूजिक को आप सुनेंगे, अलग अलग लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे म्यूजिक के और उसमें वो अच्छा लगता है। You don't think कि बीट वाले जो गाने हुए, क्योंकि आज की जनरेशन भी, आज के जब हम संगीत सुनते हैं म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें रिदम या बीट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, देन वोकल्स भी कभी कभी दब जाते हैं इतनी ज्यादा यू नो बीट ज्यादा हाईलाइटेड होती है, तो बीट वाले भी बीट वाले हैं, मैंने आपको बताया ना, और बहुत सारे गाने हैं पंजाब में जो बहुत सुपरहिट है, अब जैसे हमारा एक गाना है मैं आपको सुनाता हूँ, वो अब गाना अब उसमें बीट नहीं है, उस दूसरा गाना है हमारा जो नेहा कक्कड़ ने गाया ना, वो आप सुनेंगे तो अनप्लग्ड है सारा म्यूजिक, हंसी दर दर जाके दुआ मंगिया रब्बा प्यार देता है दिल मिया ਸਾਡੇ ਕੋ ਫਰਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਖਲੋਈ ਤੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਐਸੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਨਾਇਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ बहुत प्यारी हैं, उनकी आवाज में अलग सी खनक सी है, तो वॉइस क्वालिटी के बारे में और नेहा की गायकी के बारे में आप क्या? आपने बोल दिया,
आपने पहले आंसर दिया फिर क्वेश्चन किया। बहुत अच्छा है, थोड़ी सी म्यूजिक की नॉलेज है भाई मुझे भी। बहुत नॉलेज ठीक है, मैं आपको बताऊं कि नॉलेज आप लोगों को ही है, हमारे से ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप तो दुनिया का संगीत सुन रहे हैं ना, और आपके कानों से जब अप्रूव होती है चीज तभी आगे जाती है। वैसे आप, आपको अगर नेहा के बारे में कुछ कहना हो कि नेहा की गायकी कैसी है तो आप कैसे? नेहा कक्कड़ के लिए कहने की जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया ने कह दिया उसके लिए। अभी मैं क्या बोलूंगा, मेरा गाना वो आई थी, इन्होंने ये गाना सुना और उन्होंने आगे से अप्रोच किया कंपनी को कि मेरे को ये गाना गाना। हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया, एक सिंपल से स्टूडियो में आके उन्होंने बोला जल्दी से स्टूडियो में खड़े होकर मेरा वीडियो बना दो, मुझे ये गाना गाना है बस। वाह, ये उनकी ग्रेटनेस है। हाँ, एंड आई सो योर वीडियो और उसमें आप, हाँ जी हाँ जी, आप देखिए स्टूडियो में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है। हाँ, बना दिया उन्होंने, बोला मैंने ऐसे ही गाना बस, ऐसे ही गाया। और कोई यू नो जस्ट आपने उसकी शूट चल, मतलब पहले से प्री प्लान होगी या वैसे ही आपने शूट करवा लिया वो गाना? नहीं, गाना हमने रिकॉर्ड किया उसी दिन, रिकॉर्ड किया उसी दिन शूट कर। बहुत अच्छा, मैंने देखा कि आप म्यूजिक स्टूडियो में हैं, एंड इसकी अगर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, बहुत प्यारी वीडियो बनी है, एंड नेहा इज लुकिंग सो इनोसेंट, सो नाइस इन दैट वीडियो। नेहा के अलावा अभी हाल ही में योयो हनी सिंह ने भी आपके लिए गीत गाए, एंड आल्सो योयो हनी सिंह ने कभी नहीं गाया, हो हनी सिंह ने नहीं गाए? नहीं, हनी सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बजाते रहो में उनका दूसरा गाना था, और हाँ मेरा दूसरा गाना था, मेरा था वो नागिन डांस वेंट वायरल। वो पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि योयो हनी सिंह के सारे डांसिंग गाने हैं, तो वो पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके अंदर डांसिंग गाना मेरा चल गया और उनका नहीं चला गाना। तो नागिन डांस के बारे में बताइए कि हाउ दिस सॉन्ग केम अबाउट, और अनमोल मलिक ने गाया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड अनु मलिक जी की बेटी जी, या उन्होंने गाया है, एंड ये गाना इतना मशहूर हुआ कि शाहरुख खान तक को नचा दिया था इस गाने। हाँ जी हाँ जी, तो उसके बारे में जानना। शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, अभिषेक, और हर शो में जहाँ भी हो रहा है, सुनील ग्रोवर ने तो वो हर जगह पे, मेरे ख्याल से सुनील ने बहुत प्रमोट किया हमारा गाना। तो और वो गाना जी ऐसे है कि पिक्चर इनकी बन रही थी बजाते रहो इरोज की, और कुमार ने ये गाना लिखा हुआ था, तो वो क्रैक कर रहे थे एक दो जगह पे, उन्होंने ट्राई भी किया, क्योंकि मेरे को फिर एक दिन रात को फोन आया कुमार जी का, और हमारे दोस्त है राजेश बांगा जी का, उनका तो कुमार ने मेरे को रात को फोन करके बोला, कहते यार एक स्थाई है, मैं आपको भेज रहा हूँ और ये कल मुझे चाहिए। तो उन्होंने जब गाना भेजा था तो इतना ही था कि मैं नागिन डांस नचना, तो वो बोले इसे पहले ऐसे करके कुछ आप लेके आओ। तो अगले दिन हम स्टूडियो पहुंचे 2 बजे, तो मैं से रात को ये ट्यून बन गई थी, तो मैंने उनको सुनाई, आपको गा के सुनाते हैं। जरूर जरूर जरूर। सजना दी राती राती, सजना जी होटी होटी, नैना विच सजना दी लाई जावा शॉर्टी वॉटी, मैं बलि खावा हथ नयावा, मैं बलि खावा हथ नयावा, यार मेरे तो बचना। मैं नागिने 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 डांस नचना, मैं नागिने 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 डांस नचना। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब पहले आपने बहुत सी पंजाबी फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी कुछ एक गीत आपके आते रहे, जैसे ये गाना बजाते रहो का गीत था, इसके अलावा और भी चार साहिबजादे, बहन होगी तेरी, इस फिल्म में भी, बहन होगी तेरी तो मेरे भाई ने ही डायरेक्ट की थी मूवी। जी जी तो जी जी, वो तो कहीं बाहर करवा ही नहीं सकते थे म्यूजिक, तो ऑप्शन नहीं था उनके पास, तो उन्होंने करा लिया। देन दाना पानी के लिए एक गीत गाया बहुत प्यारा, ज्योति का, तो दाना पानी, और वो गीत क्या था
मैं ये बताता हूँ, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। दाना पानी में मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा था एक्चुअली, तो हम पूरा बैकग्राउंड बना रहे थे। तो वहाँ पे शादी का ये पूरा सीन है जहाँ लड़की तैयार होती है, तो मैंने पूरा बैकग्राउंड कर दिया। लेकिन मेरे को बाद में ऐसा लगा कि ये जो शादी का सीन है यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलेगा, यहाँ गाना चाहिए। अब मैंने पूरी टीम को नहीं बताया कि मेरे माइंड में क्या है, उनको मैं पूरा म्यूजिक सुनाता रहा एक बार 10 बार सीटिंग, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सीटिंग चलती है, तो वो सुनते रहे, सारा ओके हो गया। अब वो शादी वाला जो सीन आया तो उस पर वो खड़े होके कहते यार अब यहाँ पे आप कर लो, बोलियाँ डालो, ऐसे करो वैसे करो। मैंने कहा सर मैं यहाँ पे गाना बनाऊंगा, तो वो सब अग्री नहीं कर रहे थे। जस ग्रेवाल ने फिल्म लिखी और तरन वीर सिंह जगपाल जी ने उसका डायरेक्शन किया। तो खैर फिर जस ने रात को, राइटर हैं बहुत अच्छे और डायरेक्टर भी हैं बहुत बड़े, तो वो उस फिल्म को लिख रहे थे, उन्होंने रात को लाइनें लिखी। तो उन्होंने फिर मेरे को बुलाया, कहते यार ये लाइनें हैं मेरे पास, आप इसको यूज करो। फिर हमने गाना बनाया। ये गाना हमने बैकग्राउंड में मतलब ज्योतिका को बुलाया और एकदम से गवाया, और उसके बाद हमने गाना बना दिया। फिर हमने फिर बाद में प्रोड्यूसर्स को सुनाया, बाकी हमारे साथ थे तेनू हर गल दसांगे, तेनू हर गल दसांगे, अखां च वसाके सोना तेरे नाल ही हसांगे, अखां च वसाके सजना तेरे नाल ही। और मजे की बात ये हुई कि जब ये गाना बन गया चला गया तो भी किसी की नजर नहीं, कि ये होता ना मेन गाने होते हैं प्रमोशन मिलती है, तो इस गाने के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। और अभी ये गाना ट्रेंडिंग में है, और जितनी वेडिंग्स हैं आप देखेंगे इसमें कितनी वेडिंग्स में ये गाना चल रहा है। और मजे की बात ये गाना मुझे भी तब पता लगा, इनकी कनाडा में इनकी वो रहती हैं कजन्स, तो उन्होंने एक गाना भेजा इनको, तो कहते हैं जयदेव जी को बोलिए ऐसा एक गाना जरूर बनाओ। तो ये मेरे को सुबह से सुना रही थी गाना, देखो ये कितना अच्छा गाना है, आप ऐसा गाना नहीं बनाते। तो मैंने बाद में जब मैंने बोला मैं नीचे क्रेडिट चेक करो, ये मेरा ही गाना बहुत अच्छा होता है। कभी कभी आपने जब अपना गाना सुना कि शादियों में पार्टीज में इतना चल रहा है, इतना फेमस होता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग यू गेट, व्हाट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस यू गेट? इट्स ऑल ब्लेसिंग, ऊपर वाला ब्लेस करता है किसी चीज को, उसका ही गिफ्ट होता है। अगर मैं चाहता तो, अगर मेरे चाहने से कुछ होता तो मेरे जो 1600-1700 गाने हैं मैं सभी को हिट करता ना, तब भी कोई दिल लैगी बनाता। लेकिन कोई दिल लैगी बना, कोई इस सफर में पहुंचा, कोई उधर पहुंचा, कोई नागिन डांस बन गया, तो मैं ये सोचूं इट्स ऑल ऊपर वाले का गिफ्ट है ये। वो आपसे अगर किसी बात से खुश होगा तो वो गिफ्ट देगा आपको। आपने दिल लैगी की बात की, तो आपका सफर ही वहां से शुरू हुआ, दैट वाज वेरी फर्स्ट एल्बम यू प्रोड्यूस्ड। और उस किस तरह से वो पहली चीज जो पहला काम मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है, उसकी खुशी कुछ और होती है, उसका नशा ही कुछ और होता है। सो जब ये गाना दिल लगे कुड़ी बहुत फेमस हुआ, और जसवीर जस्सी आपके पास आए और कहने लगे, उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि वो आपके पास आए कि मुझे ये बनाना है गाना, या फिर म्यूजिक कंपनी ने कहा कि आप जसवीर की ये एल्बम तैयार करो, कैसे, हाउ डिड इट कम अलोंग? उस समय मेरा इतना नाम तो था ही नहीं, तो लेकिन जस्सी की ये साथ मेरी दोस्ती थी बहुत अच्छी, और स्ट्रगल इकट्ठे ही कर रहे थे हम लोग। तो जस्सी जी ने एक एल्बम करी थी, हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एल्बम हमने करी, क्योंकि कोई एल्बम हमारी कर नहीं रहा था, तो जस्सी और मैंने मिलके प्रोड्यूस कर दी एल्बम, और फिर वो जो एल्बम है तीसरी इसको हमने दी,
और वो एल्बम फ्लॉप हो गया क्योंकि किसी ने सुनी ही नहीं एल्बम तो। और लेकिन वो एल्बम टाइम्स म्यूजिक कोई नया अब ये लेवल उन खड़ा कर रहे थे, म्यूजिक कंपनी खोल रहे थे, उनको एक अच्छा सिंगर चाहिए था, तो वो एल्बम उन्होंने सुनी और जब उन्होंने सुनी कहते यार ये सिंगर अच्छा है हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और मजे की बात की उन्होंने जस्सी को साइन किया और 8 के 8 गाने आके बॉम्बे में रिकॉर्ड कर लिए, उसमें मैं नहीं था क्योंकि तो जस्सी बोला यार अभी मेरे को चांस मिला है लेट मी बी समथिंग फिर हम मैं तेरे को खींच लूंगा लेकिन अभी इनकी माननी पड़ेगी सारी है ना। तो उन्होंने 8 गाने वहाँ रिकॉर्ड किए लेकिन जब दिल्ली आए वो कहते हैं ना आपकी किस्मत में जब कुछ लिखा है तो मिलना है, तो दिल्ली आए तो जहाँ पे मास्टर बन रहा था इसका वहाँ पे हम भी थे खड़े हुए है ना, तो उन्होंने बोला यार एल्बम बहुत अच्छी लेकिन एक गाना इसमें अगर हिट मिल जाए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर जस्सी ने अपनी कंपनी को बोला कि जो अगला गाना आप कह रहे हो वो मैं अपने दोस्त के साथ जयदेव के साथ बनाता हूँ और वो गाना था दिल लगी पूरी गुजरात और वो ही गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ उस एल्बम में। तो वो जो 8 गाने सुनाए थे उन्होंने वो सब पीछे रह गया और सफर इधर का शुरू हो गया। इसको कहते हैं किस्मत की बात। वो हिट जो है हिट इज एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंटली होगा आपके साथ, सारी चीजें ठीक इकट्ठी हो जाएंगी, वीडियो भी अच्छा बन जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगी, बीट भी अच्छी बन जाएगी, गाना भी अच्छा बन जाएगा और जिस दिन जो एवरेज रह जाते गाने वो आप उसे बनाते हैं, ये एक्सीडेंट नहीं होता। जो जनता को पसंद आया, जो जनता के कानों को भा जाए, कभी होता है लिरिक्स कैची होते हैं, बहुत ज्यादा लिरिक्स कैची है तो वो लेकिन जब आप हिट हो जाते हैं ना तो आप हर बार कहते हैं कि मेरे को हिट का फॉर्मूला पता लग गया और वही रॉन्ग हो जाती बात, अगली बार कुछ और हो जाता है। जब शोले बनी तो उनको शोले का फॉर्मूला सारे दुनिया ने अप्लाई किया लेकिन नहीं चली, नहीं चली। या जिस भी जैसे के दिल लगी के बाद कुड़ी कुड़ी वाला गाना भी बड़ा मशहूर हुआ, वो भी आपने बनाया। देन निशानी प्यार दी, निशानी यार दी बहुत अच्छा है, निशानी यार दी या प्यार दी समथिंग सुना हुआ गाना। जसबीर जस्सी जी को भी मैंने हार्ट टू हार्ट में इंटरव्यू किया एंड ही नोज मी, यहाँ पर भी लंदन भी आते रहते हैं, तो ही सच अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है। इसके साथ साथ गुरदास मान जी, उनकी गायकी थोड़ी डिफरेंट है, सभी की गायकी डिफरेंट है। गुरदास मान जी के गीतों में एक खासियत जरूर रहती है कि उनके गीतों के लिरिक्स जो होते हैं वो बहुत यू नो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए, मतलब हम अपने परिवार के साथ बैठ के उन गीतों को सुन सकते हैं, क्लीन होते हैं, बिल्कुल यू नो साफ सुथरे गाने होते हैं। सो उनके आपने पंजीरी किया, बूट पॉलिशा किया, तो उन गीतों हीर किया उनके साथ, तो बहुत कुछ किया है। सो दो तीन का मैं जिक्र कर रही हूँ तो उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी उनकी गायकी। वो उनके बारे में देखिए इज सच ए ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत बड़े आदमी है वो और उतनी हम्बल इंसान है और उनसे एक्चुअली उनके साथ बैठ के आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि कैसे आप सबके साथ बिहेव करते हैं, वो बहुत इज्जत करते हैं दूसरों की, बहुत अच्छी फीमेल आ जाए उसकी इज्जत करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा इतने साल तो ये उनकी ग्रेटनेस थी और आज भी हम साथ हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं और मंजीत जी के साथ अभी भी कुछ कर रहा होता तो हम इकट्ठे ही होते हैं, हर फंक्शन उनके घर पे मनाते हैं पंजाबी चैनल है कौन सा ये थोड़ा चैनल, हाँ जी मैं पंजाबी सुनना चाहते हो, पंजाबी कहाँ थे पंजाबी तो मैं आई एम हिंदी स्पीकिंग, मैं ज्यादा हिंदी बोल हिंदी में बात करती हूँ लेकिन पंजाबी। हरभजन भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने, और मैं जब चरणजीत आहूजा साहब जी के साथ असिस्टेंट था तब वो चिट्ठिए नहीं चिट्ठिए और काफी एल्बम्स वहाँ हो रही थी, मैं उनको वॉइस रिकॉर्ड करता था उनकी वहाँ पे आहूजा साहब को असिस्ट करता था, उनसे एक मुलाकात हुई थी दिल्ली में मेरी। हाँ जी हाँ जी दिल्ली में ही मिले थे। हाँ जी। और फिर उनके साथ ये पहला गाना क्योंकि मेरे को बाबू सिंह मान के साथ बैठने का बड़ा चांस मिला, बहुत लेजेंड हमारे पंजाब के बहुत बड़े शायर हैं, ये राइटर हैं, तो मैं सरदूल सिकंदर साहब की रिकॉर्डिंग करने बॉम्बे गया था
तो वहां पे इनका हम गाना कर रहे थे बाबू सिंह मांझी का, और मैंने बाबू सिंह मांझी से फिर ये गाना उसी समय उन्होंने मेरे को सुनाया, उनके घर बैठे हुए थे शाम को, तो उन्होंने मेरे को बोल के सुनाया, मैंने इनके कागज पे लिखा हुआ था, मैंने उनको दो चार गाने, मैंने बोला ये गाने मेरे हो गए, आप इसे हम करेंगे, वो बोले ठीक है। तो जब हरभजन की एल्बम मैंने करनी थी तो उन्होंने मेरे को सारे गाने सुनाए, मैंने बोला हरभजन एक गाना मेरे पास भी है, और बाबू सिंह मैं और हरभजन, तब मैं दिल्ली रहता था, हम बॉम्बे आ गए, तो वो बोले यार आप बोल रहे थे एक गाना है किसके पास है, अब बाबू सिंह मान भी बोल रहे हैं, मैंने बोला बाबू सिंह मान जी वो किताब खोल दी आपकी, वो किताब पे लिखा हुआ है गाना, बोले मेरे को केड़ा गाना है, मैंने कहा वो गाना है, फिर वो वहां से गाना निकाला मैंने और उसको बनाया कर लंगोरियां द स्टोरी असिमर के। It's like a Harbhajan Mann ji ke bhi, you know, I change over था उनकी लाइफ का भी। बहुत प्यारा गाना है ये, उनका बेस्ट गाना आई वुड से कि उसी गीत से उनकी पहचान है। हाँ जी हाँ जी, बहुत प्यारे। और इसके अलावा दिल डोल गया एंड वारी वारी वो भी आपने, लाला लाला वो वाला गाना भी आपने कंपोज किया, एंड एक और मेरे पसंदीदा सिंगर हैं और आई थिंक कि उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, हंसराज हंस जी। हाँ जी हाँ जी, उनके साथ आपकी एसोसिएशन चोरनी आपने उनके साथ, हाँ जी चोरनी करी, और फिर शिव कुमार भटालवी जी के सॉन्ग किए मैंने उनके साथ, बहुत अच्छे गाने रहे वो, तो फिर सिंगर बहुत अच्छे है ना, इतने अच्छे सिंगर के साथ आप कुछ भी करोगे तो अच्छा लगेगा जी, तो इस वेरी सूफी आवाज है उनकी, और बहुत उनका वो गाना है मैं सुनाता हूं एक बार, गमा दी रात के समय, ओ गमा दी रात उनके गाना बनाया था, मेरे को बहुत पसंद है, कोई बोल विमुख हो बोल विसजना सही चेतर को मेरे साही चेतर को उनका गमादी रात भी बहुत प्यारा गाना है। हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे गाने हैं। ऐसे सुनिधि चौहान के साथ भी आपने बहुत काम किया है, सुनिधि चौहान ने भी आपके बहुत से गीत गाए हैं, और कोई उनका एक गाना अगर आप हमारे साथ, इसके सबसे पहले आपको उनको सुनाया हमने, ले मैं हूं गईया तेरी हो, ओके ओके ओके, सुनिधि जी का ही था वो। तो ये देखिए क्या कि बॉम्बे आए तो यहाँ के सिंगर्स, अपने पंजाब के सिंगर्स, हमने सबको साथ लिया, और फिल्म पहली जो थी जी आई एन ओ बनाई हमने, जहाँ से पंजाबी फिल्मों का संगीत शुरू हुआ, संगीत ही बदल गया, एक वहां से उससे पहले बन रहा था लेकिन वो टिपिकल सा बना रहे थे, तो पंजाबी फिल्म, मेरे को मेरे ये ख्वाब था कि भाई पंजाबी फिल्म का म्यूजिक करना है बढ़िया, तो फिर ये पहली फिल्म जी आई एन ओ हमने, क्योंकि तीसरी से प्रोड्यूस की, मनमोहन सिंह जी हमारे डायरेक्टर थे, और उन्होंने फिर हमने जाके, क्योंकि 8 गाने हरभजन के हम रिकॉर्ड करते थे और 8 का वीडियो बनता था, तो हमने बोला कि यार हम बना रहे गाने, आप वीडियो बनाते हो, एक स्टोरी ऐड करते, एक फिल्म भी बन जाएगी, तो मेरे को लगता है कि पंजाब में एक फिल्म का सफर शुरू हो जाएगा, तो उस समय हमने खा भी लिया था, तब ना पंजाब में शूटिंग की सहूलतें थी ना कुछ था, और म्यूजिक में सोचते थे कि प्लेबैक में किसको लाना है, फिर अलका याग्निक और प्लेबैक सिंगर्स आए, फिरोज खान को लेके आए, और आज आप देखिए कम से कम 70 पिक्चरें ऑन फ्लोर हैं पंजाब में, तो कितने लोगों का काम, लाइट मैन, कैमरामैन, पोस्ट प्रोडक्शन, अभी काफी काम शुरू हो गया पंजाब में, तो स्टार्ट विद द जीआई, और हमने बिना किसी फीस के वो काम किया था। बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया आपने, जी आई एन उत्ते, यू नो लाइक माइलस्टोन, न्यू वेव टू द पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, एंड देन असनुमान वतना थे, देन देस होया परदेस, मेल करा दे रब्बा, ऐसी बहुत सारी यारा और दिलदारा, सारी फिल्मों में सब में आप ही का संगीत है, एंड इट्स ब्यूटीफुल, पंजाबी गाने सुनने में भी मजा आता है, बहुत मजा आता है। जयदेव जी, हाउ डू यू सी कि म्यूजिक सीन चेंज हुआ है
क्योंकि अब डिजिटल म्यूजिक आ गया, पहले लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, अब डिजिटल है, सो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, अभी देखिए म्यूजिक तो अपना सफर तय करता ही रहता है ना। हम अभी लाइव की बात करें, जो म्यूजिक स्टार्ट हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय टू ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी। टू ट्रैक आप समझते हैं कि म्यूजिशियन अंदर बैठे हुए हैं, दिल्ली में हॉल में बैठे हुए 10-12 म्यूजिशियन, और उधर कंट्रोल रूम है, उधर वो बजा रहे हैं सारे लाइव, और उधर ही सिंगर खड़ा होके गा रहा है HMV में, और इधर रिकॉर्डिंग चल रही, और उधर मिक्स हो गया, जितना रिवर्ब देना है, डिले देना, वॉइस कितनी रखनी है, टू ट्रैक रिकॉर्डिंग। और हॉल रूम के अंदर जब इतने म्यूजिशियन प्ले कर रहे हैं तो AC भी नहीं चलता था, और गर्मी होती थी, और टॉप फ्लोर थी HMV की, दोपहर को किसी की शर्ट उतर गई, कोई बनियान में है, कोई बैठा हुआ है बजा रहा है, ऐसे काम होने हुआ। तो टू ट्रैक से फोर ट्रैक आया, तो फोर ट्रैक से फिर 16 ट्रैक आया, 16 से फिर 32 ट्रैक आ गया, फिर स्टूडर की मशीन आ गई, जिसमें जो मैंने अपना बब्बू मान की एल्बम और ये सब हमने बॉम्बे में तीसरी में किया, वहाँ पे स्टूडर की मशीन थी, और वो मशीन गुलशन जी पहली बार इंडिया में लेके आए थे, इतनी महंगी मशीन थी वो, 4-5 करोड़ की उस समय होगी वो मशीन। लेकिन फिर प्रो टूल्स आ गया, सारा सिनेरियो चेंज होता गया। तो अब हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर की मदद तो मिल रही है, उसके अंदर बहुत सारे हमें साउंड्स लेने पड़ते हैं, लूप्स लेने पड़ते हैं, उसके साथ हम लाइव को मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कीबोर्ड से काम नहीं बन रहा, नहीं चलता। हाँ, तो मैं मिक्स एंड मैच करता हूँ, और हम लूप नहीं यूज करते, उसके अंदर अगर कोई साउंड है तो उसका म्यूजिक क्रिएट करते हैं, नोट्स होते हैं। एक तो हो गया ना, काफी लोग तो क्या करते हैं कि वो नोट्स नहीं है, वो लूप उठाया और लगा दिया, बट वी क्रिएट सम म्यूजिक ऑन दैट। सो आप प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिक, कंपोज करते हैं, डू यू अरेंज योर म्यूजिक योरसेल्फ या अरेंजर? और अरेंजर लेने पड़ते हैं बहुत सारे म्यूजिशियन, फ्लूट का मैं म्यूजिक बनाऊंगा तो फ्लूट बजा नहीं सकता, ठीक है, तो म्यूजिशियन लेते हैं, अरेंजर भी होते हैं साथ में, बट आई कंपोज माय म्यूजिक मायसेल्फ। अब आपके जो गीत हैं, चाहे नेहा कक्कड़ के हो या फिर सुनिधि चौहान के हो या कोई भी आपके कंपोज किए हुए गाने हैं, वो सोशल मीडिया इतना एक्टिव होने की वजह से इतने सारे हिट्स मिलते हैं, इससे म्यूजिक कंपनीज को फायदा होता है, सिंगर्स को फायदा होता है, या म्यूजिक डायरेक्टर्स को, किसको या सबको जॉइंटली फायदा होता है? व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया की आने से या इतना हाईलाइट होने से आप सबको फायदा कितना मिलता है? एक कंफ्यूजन आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे पहले क्या था कि अगर CD बिक रही है तो वो कंपनी को भी पता लग जाता था कि इतनी CD बिकी है मेरी, है ना, जैसे बब्बू मान साहब की हमने एल्बम की थी सौंदी चढ़ी, तो वो एक रात के अंदर कम से कम 25 लाख CD बिकी, और उस जमाने में वो कम से कम 70-75 लाख तो बोल रहे हैं कि बिकी थी, बाकी लोगों ने अपनी बना बना के कितनी बेची उसका हिसाब नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया कि एक तो रियल हिट यूट्यूब पे आता है तो पता लगता है, लेकिन अभी कुछ लोग उस पर खरीद रहे हैं बहुत सारी चीज, तो गाने का पता नहीं लग रहा लेकिन हिट्स बहुत ज्यादा है, तो वो गाना नहीं चल रहा। फायदा किसको होता है? इसी किस YouTube को फायदा हो रहा है, YouTube को फायदा होता है, या जो YouTube पर कंपनी जो YouTube पर वो अपलोड कर रही है उनको फायदा, उनको तो फायदा हो ही रहा है, बट ये ऐसे फेक व्यूज से गाना नहीं हिट हो रहा। गाना जो हिट होगा वो आपके कमरे के अंदर आके बजेगा, अपने आप पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा हर जगह पे, कान के अंदर, आप सुबह उठेंगे तो आपके कान के अंदर बज रहा होगा वो गाना जो हिट है। सिर्फ हम देखें 200 मिलियन हो गया, एक हफ्ते में हो जाता है इतना मिलियन। अभी आपने एक चोर इसका जिक्र किया, बजाते रहो का गाना हमारा है ना, नागिंडा, उसके 6 साल के बाद कितने मिलियन है? 150 मिलियन 6 साल में, और अभी कोई नया गाना आता है वो हफ्ते में कैसे 200 मिलियन हो सकता है, और उस गाने का पता ही नहीं। आप सिंगर को बोलेंगे वो वाला गाना सुना, उसको कोई याद नहीं है गाना। तो ये कंफ्यूजन आ गया थोड़ा सा, और अभी YouTube थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है कि जो फेक व्यूज हैं उनके वो सब हटा रहा है, सब कर रहा है, बट फिर भी मेरे को लगता है कि अगर आप ईमानदारी से गाने को नहीं समझ पाएंगे ना, तो जितना मर्जी आप पैसे लगाते रहे गाना वहीं खड़ा रहेगा, व्यूज बढ़ते जाएंगे सिर्फ। और कई गाने ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कंधा कच्चिया, नहीं एक भी बार ऐसा नहीं कि उस गाने को किसी ने प्रमोट किया,
किसी ने आज नुसरत फतेह अली के गाने इतने चलते हैं, जगजीत सिंह के गाने इतने चलते हैं, आप उनके हिट तो जाके देखिए, 10 लाख हिट नहीं है, पर यहां गाना आपके बेडरूम में भी बज रहा है। सबके फेवरेट चल रहे हैं, सबके फेवरेट्स होते हैं, हिट मशीन नहीं पता। जयदीप जी, अब मैं आपके अवार्ड्स की बात करना चाहूंगी। आपको बहुत एप्रिसिएशन मिली है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी काम करने वाले को जब इस तरह से अवार्ड्स मिलते हैं या एप्रिसिएशन मिलती है, तो वो खुशी और ही होती है। पर आपका वैसे भी अंजाम ने भी आपके हर गीत को बहुत पसंद किया है। इसके अलावा जिन जिन सिंगर्स ने जो जो गीत गाए आपके लिए, वो सारे हिट हुए हैं, तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको। उन अवार्ड्स में मैं बताना चाहूँगी, लश्कारा पंजाबी म्यूजिक अवार्ड 2001 में, 2002, 2004, then 6, 2006, 7, 11, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इतने सारे जब ETC अवार्ड्स आपको मिले एंड लश्कारा अवार्ड्स मिले, सो वो उन गीतों को आप क्या सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा अच्छे, या उनके अलावा कोई ऐसा गीत था जो आपके मन को बहुत पाया था, आपने सोचा था कि बहुत हिट होगा लेकिन उसको अवार्ड नहीं मिल पाया, कोई ऐसा गीत है आपके माइंड में? अपने अवार्ड भी गिने होंगे, वो 17-18 अवार्ड हो गए है ना। जी जी, तो वो 17-18 गानों को अवार्ड अगर मिला है ना, तो मैं समझता हूँ सारों को ही अवार्ड मिला है। ये इतना क्या है, अवार्ड आप खरीदने जाएंगे तो ये 500 रुपए का भी मिल जाएगा, ये 1000 रुपए का भी मिल जाएगा, लेकिन वो जो पार्टी लोगों के पास से निकल के जब आता है तो उस अवार्ड की कीमत ही अलग हो जाती है, वो कीमत से बाहर हो जाता है, क्योंकि हम सबको वो चाह होती है। तो अगर इतने साल इतने लोगों ने मेरे को अवार्ड दिया है और वो पारखी लोगों ने, वो अनुभवी लोग, वो सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लेजेंड्स होंगे, अगर उनकी नजरों में ये म्यूजिक को उन्होंने कुछ समझा है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हुआ। और गाने, जो भी गाना मैंने बनाया है, मेरे को लगता है कि वो गाना कहीं ना कहीं पहुंच ही गया। तो अगर अवार्ड नहीं भी मिला तो लोगों ने उसे पसंद कर लिया, तो ये अवार्ड हो गया। वही तभी कह रही हूँ ना, अंजाम जी से पसंद कर ले, दुनिया जी से पसंद कर ले, वो हाँ, सबसे बड़ा अवार्ड। और मैं तो सोचता हूँ कि गाना बनाने को मिला मुझे, ये ही मेरी किस्मत है, क्योंकि गाना बनाने को ही कहाँ मिल पा रहा था, वो तो टाइम ही, मेरे को पता है ना कि गाने ही नहीं मिलते थे। अभी शुक्र है ऊपर वाले का कि वो लाइन है ना कि ये सब तुम्हारा कर्म है मौला की बात अब तक बनी हुई है। लिरिसिस्ट आपके किन के साथ ज्यादा काम किया आपने, किन लिरिसिस्ट के साथ? पंजाबी में देखिए, पंजाबी में मैंने बाबू सिंह मान जी के साथ बहुत काम किया, फिर अभी देवेंद्र खन्ने वाले उनका गाना किया, और बहुत सारे राइटर्स थे पंजाब में, बॉम्बे में मैंने कुमार साहब के साथ काम किया। कुमार क्या है कि इट्स जस्ट लाइक ब्रदर टू मी, मेरी फैमिली है, तो मेरे लिए बहुत ईजी टू अप्रोच है, बल्कि वो मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन क्या इतने बड़े शहर हैं वो बॉलीवुड के, चुटिया कलाइयां, बेबी डॉल, और अभी उनका आया गाना ये गंगूबाई में, मेरी जान ढोलिया, है ना, ही सुपर। तो मेरे लिए क्या है, वो हर समय खड़े रहते हैं, तो मैं उनके साथ इजी होके काम कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप कुमार साहब से कहिए सरिता के प्रोग्राम में आने। और अवार्ड्स की बात कर रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपको सुर सम्राट अवार्ड से नवाजा, एंड मनमोहन सिंह मेमोरियल फेडरेशन की तरफ से। तो नेचुरली जब गवर्नमेंट भी किसी चीज को बहुत अप्रिशिएट करती है, किसी के काम को, तो दैट इज समथिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं आपको। सुभाष घई साहब के साथ भी आपने काम किया, मनमोहन सिंह जी का आपने जिक्र किया, मान जी एंड मंजीत मान जी के साथ भी आपने बहुत सी फिल्में बनाई हैं और उनकी फिल्मों का संगीत दिया है। सो सुभाष के हिसाब के बारे में बताइए कि उनकी, उन्होंने जो पंजाबी की फिल्म बनाई, कोई उनके लिए नहीं, हिंदी की फिल्म थी, वो अपने स्टूडेंट्स को लेके फिल्म बना रहे थे, एक छोटी फिल्म बना रहे थे, तो उस दौरान फिर कुमार ही उनके पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला यार मुझे कोई पंजाबी बैकग्राउंड का म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, तो मेरे को कुमार ने इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, और देन लव एक्सप्रेस फिर हमारा वहां से शुरू हुआ, और एक फिल्म उनके साथ भी करने का मौका मिला। बहुत ग्रेट इंसान है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं और इतने हम्बल है। मैं ये देखता हूँ कि जो जितना बड़ा है वो उतना हम्बल है, वो उतने ही, उनके साथ बैठ के आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप सुभाष घई के साथ बैठे। मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा मैंने, हमने आपको दिल्ली के हर सिनेमा हॉल में ढूंढा, आप मिलते थे, आपकी फिल्म अच्छी थी, हम जाके देखते थे, क्योंकि
सुभाष घई की फिल्म आ रही है, ये हमारे लिए बहुत है, और वो हमारे साथ बैठे हुए थे, ये भी किस्मत की बात है, और थैंक्स उनका, उन्होंने चांस दिया एक फिल्म के लिए। जयदेव जी, आपके साथ बातें करके ना बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रही है। एंड सिमी जी, आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इन्होंने मौका ही नहीं दिया। अभी देखिए, मैं आपको जाते जाते एक चीज बोलता हूँ, हमारे फादर की लेगेसी, क्योंकि पन्ना लाल घराने की एक ही बहू है, ठीक है ना, छोटे भाई के भी मैरिज नहीं हुई तो बहू यही है, और इन्होंने वो जिम्मा उठाया हुआ है अभी, तो उनके गाने हम ये गाती रहती हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और डालते रहते हैं, तो उनका एक गाना सुनाते हैं, और आपको वो गाना सुन के ऐसा लगेगा कि इस गाने की आप देखिएगा लाइफ, ये गाना बना उसके बाद ये बॉलीवुड में गाना, इसका उस समय कॉपीराइट का चक्कर नहीं था, तो बड़े म्यूजिक एक्टर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने लिए गाना, उसके बाद आज की जनरेशन ये गाना ले ली, तो ये गाना कहां से कहां तक आया, ये आप जरूर सुनना चाहिए। काली रंग दा मेरी सजना ने आंदा नी में चुम चुम नी में चुम चुम रख दी फिरा ते पब्बा बार नच दी फिरा। काली रंग दा मेरी सजना ने आंदा नी में चुम 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 रख दी फिरा ते पब्बा बार नच दी फिरा। काला एक परा दा नाल मिटिया भी कालिया अंबरी कटावे अज कालिया चकदी फिरा ते बाबा बार नचदी फिरा। काले रंग दा परांदा मेरी सजना ने आंदा नी में चुम 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 रखदी फिरा ते बाबा बार नचदी फिरा। बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। अब इस गाने को आप जब भी सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सारे गाने याद आ जाएंगे, कोई शहरी बब दिल बहरी बब आए दिल बांध दिया गुंदरू चम चम नचदी फिरा। बहुत अच्छे, साल पहले बनाया एवरग्रीन गाना है। दिल तो चाह रहे कि और बातें करते रहे, लेकिन एक घंटे से ऊपर हो चुका है, और मैंने कहा था कि 50 मिनट्स टू यू नो 1 आवर, बहुत टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। कोई ऐसी बात जो मैं नहीं पूछ पाई और आप बताना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। सफर इतना आपने सफर मुझे याद करा दिया सारा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे कुछ लोग जो जुड़े मेरे साथ इस इंटरव्यू में आपके द्वारा जुड़े, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबकी मेहरबानी, और ऐसे ही आप मेहरबानी रखिएगा, और मैं ऐसी कोशिश। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए, और मैं आपको तंग करती रहूंगी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं सिंगर्स, उन सबसे मेरी भी मुलाकात, खास तौर पर कुमार साहब के साथ, गुरदास मान जी, हरभजन मान, सबसे मैं मिली हूँ, सबको इंटरव्यू किया है, पर इस प्रोग्राम के लिए नहीं है, तो मैं जरूर आपको, मैं जरूर कुमार तक आपकी बात पहुंचाऊंगा, जरूर, धन्यवाद। एंड आई वॉन्ट टू थैंक योर सिस्टर विनीता, हमारे आज के गेस्ट, और उम्मीद करती हूँ उनसे हुई बातचीत आपने जरूर पसंद की होगी, जयदेव जी और उनकी वाइफ सिमी, और अगर इनके वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखने हैं तो सिमरित के नाम से, सिमरजीत के नाम से, सिमरजीत कौर, तो आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। एंड जयदेव जी का संगीत बोलता है, बहुत प्यारा संगीत है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, अगली मुलाकात तक के लिए देखते हैं अगले हफ्ते कौन होंगे हमारे मेहमान। बाय बाय, टेक केयर।
Skylord Travel on 020-8582-1199. We'll try and find the best deal for you. Whether you're looking for flights or your dream holiday, India, Pakistan, Dubai, USA, Europe or Africa. Call now on 020-8582-1199. Book online or on your smartphone at skylordtravel.com. Skylord Travel. Travel simplified. The gold, symbol of love, precious ancient crystal structure. The diamond, Pakiza jewels for the precious moments of life.